हेलो एंड वेलकम टू फ्लेवर्स ऑफ माय किचन। तो आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करने के लिए लाई हूँ मज़ेदार एंड टेस्टी बेसन का हलवा बनाने की रेसिपी। तो हलवा तो हम सभी को बहुत पसंद आता है, तो क्यों ना आज मेरे स्टाइल में हलवा बनाया जाए। तो बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैं आपको बेसन का दानेदार हलवा बनाना बता रही हूँ। इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका भी हलवा इसी तरह से दानेदार बनकर तैयार हो जाएगा। तो प्लीज़ रेसिपी को पूरा देखें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे कर दीजिएगा शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड्स में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हमने ये दानेदार बेसन का हलवा कैसे तैयार किया है इसकी रेसिपी देख लेते हैं। हलवे को अगर घी में बनाया जाए तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं 4 बड़े चम्मच घी यूज़ कर रही हूँ हलवा बनाने के लिए। अगर आपके पास में घी नहीं है तो आप रेगुलर ऑयल से भी बना सकते हैं, लेकिन घी से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया हुआ है। तो बेसन भी याद रखें अच्छी क्वालिटी का बिल्कुल होना चाहिए बेसन, तभी आपका हलवा ज़्यादा टेस्टी बन पाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको घी के साथ में बेसन को भून लेना है। इस रेसिपी को बनाने में मैंने जो जो इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है। तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी का बेसन या जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं इसमें वो चाहिए तो आप उस लिंक पे जाकर परचेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घी के साथ में बेसन कितने अच्छे से भून रहा है, ये थोड़ा सा लिक्विडी होना शुरू हो गया है। तो जब भी बेसन को हम घी के साथ में भूनते हैं तो वो इसी तरह की हो जाती है, तो ये आपकी साइन है कि बेसन अच्छा भून रहा है। तकरीबन 2 मिनट हुए हैं और यहाँ पे हमारा बेसन जो है अच्छा भुन रहा था। इसी टाइम पे हमें इसमें ऐड करना है एक और इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच सूजी। तो यहाँ पे सूजी मैंने बारीक वाली ली है। तो अभी हमें यहाँ पे सूजी बेसन को घी के साथ में बहुत अच्छे से भून लेना है, और जैसे जैसे ये भूनती जाएगी वैसे वैसे अपना कलर चेंज करना शुरू कर देगी। तो फ्लेम को आप बिल्कुल यहाँ पे सिम कर दें और सिम फ्लेम पे इसको बहुत अच्छे से भूनने दें। तो जब तक ये भून रही है तब तक मैं यहाँ पे कुछ और बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने 1 कप शक्कर लिया हुआ है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप ही पानी और इसका चाशनी बना लेना है हमें। तो शक्कर का मेजरमेंट यहाँ पे जितना आपने बेसन लिया है उसी कप के मेजरमेंट से आपको शक्कर लेनी है। तो अब मैंने इसको फ्लेम पे चढ़ा दिया है और जब तक शक्कर पिघल नहीं जाती है तब तक इसको आप अच्छे से पका लीजिए। तो यहाँ पे अब जब शक्कर हल्का पिघलना शुरू हो गई है, पानी हल्का गुनगुना हो गया है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ केसर। तो कुछ स्ट्रैंड डाल रही हूँ मैं केसर के, यानी कि सैफ्रन। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और हलवे में कलर भी आएगा। तो जब तक इस चाशनी में बॉयल आता है मैं यहाँ पे देख लेती हूँ हमारा सूजी और बेसन कितने अच्छे से भुन रहा था। देखिए कलर कितना चेंज हो गया है इसको भुनते हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप चाशनी में भी बॉयल आ गया है। बस इस स्टेज पे आपको क्या करना है, इसकी फ्लेम को ऑफ कर देनी है और वापस से आपको अपने सूजी और बेसन की तरफ आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ब्राउन सा, लाइट ब्राउन सा कलर आना शुरू हो गया है, बिल्कुल बादामी सा दिख रहा है ये हमारा। तो बहुत अच्छे से ये भुन चुका है। अब यहाँ पे हमें कुछ और इन्ग्रीडियंट्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ काजू और 4 मगज़। इस हलवे में ड्राई फ्रूट्स आप अपने मन के अकॉर्डिंग ले लीजिए, जो भी आपका फेवरेट हो आप वो ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ काजू और 4 मगज़ डाले हैं और इसको डालकर मैं अच्छे से भून लूँगी। ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, क्योंकि हल्का सा ये भी इसके साथ में भून जाएंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा सौंधा सौंधा सा आएगा। तो यहाँ पे बस अब हमें चाशनी ऐड करनी है। तो फ्लेम को बिल्कुल मैंने मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पे ही मैं ये चाशनी डाल रही हूँ, क्योंकि दोनों गर्म होनी चाहिए। चाशनी भी अभी फ़ौरन ही मैंने बनाई है तो साथ साथ में आपको ये स्टेप करना होगा। तो यहाँ पर सारी चाशनी मैंने डाल दी और देखा आपने इसमें कितना अच्छा बॉयल आ गया है। बस अभी हमें इसको लगातार मिलाते जाना है और ये इस तरह की थिक हो जाएगी और पैन को छोड़ना शुरू कर देगी। तो बस आपका हलवा बनकर तैयार है। बिल्कुल 5 मिनट में आपका ये टेस्टी लाजवाब हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल अलग तरीके से डिफरेंट सा टेस्टी सा हलवा मैंने बनाकर तैयार कर दिया है। तो देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। इसके ऊपर से मैं यहाँ पे गार्निश कर दे रही हूँ बचे हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ में। तो बस ये गर्मा गर्म टेस्टी सा हलवा हमारा बनकर तैयार है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। इस तरह से मैंने जिस तरह से बताया है उस तरह से बनाइएगा, आपका भी हलवा इतना ही मज़ेदार टेस्टी बनकर तैयार होगा। बहुत ही क्रीमी और टेस्टी यह हलवा लगता है। तो बेसन का हलवा अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया है तो आज के आज बनाइए, बहुत ही उम्दा बनकर तैयार होती है ये। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बेसन के दानेदार हलवे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इसे कर दीजिएगा शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड्स में और मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और नए व्यूवर्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारी वीडियो की सारी लेटेस्ट अपडेट सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगी। तो फिर मिलूंगी मैं ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प रेसिपी के साथ में नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।